हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम सीआरओ पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जो कि आपको रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो हम प्रॉब्लम नंबर वन से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन सेज एन इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट अ बीम थ्रू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको पढ़ते रहेंगे और इसके जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको मेंशन करके और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टू डिफ्लेक्ट अ बीम थ्रू 3 सेंटीमीटर इन अ कैथोड रे ट्यूब हैविंग एन एनोड वोल्टेज 1000 वोल्ट एंड पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट इज। तो प्रॉब्लम नंबर वन में आपको क्या क्या गिवन है, वन बाय वन हम सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं। डिफ्लेक्ट अ बीम थ्रू 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको जो डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर का आपको डिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। एनोड वोल्टेज जो जनरली EA लिटरेचर और जो टेक्स्ट बुक्स है हमने जब डिराइव किया था उसमें हमने VA से लिखा था। जनरल जो पॉपुलर उसका प्रेजेंटेशन है वो कैपिटल EA से एनोड वोल्टेज को बताते हैं। अगर आप उसे VA लिख रहे हैं तो भी ये आपका सही है, इज 1000 वोल्ट। हमने जब अपने प्रीवियस वीडियोस में डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैलकुलेट की थी तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए उसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल VA एनोड वोल्टेज को, और जो सहानी में और जो आपकी पॉपुलर बुक्स हैं उनमें EA से लिखा हुआ है। तो आप जिस भी मेथड से कन्वीनियंट हैं उसको आप मेंशन कर लें। पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, LD प्लेट्स की लेंथ जो थी वो LD से लिखी थी हमने 1 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, D डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में दूरी, हमने इस तरह से पढ़ा था ना। ये आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये आपका CRO का स्क्रीन है, यहाँ से आप इस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं D को, ये जो लेंथ है उसको आप LD बोलते हैं, इस पे वोल्टेज को आप ED बोलते हैं, और ये जो लेंथ है सेंटर ऑफ प्लेट से स्क्रीन के बीच में उसको आप कैपिटल L बोलते हैं, ठीक है। और प्लेट्स के बीच की जो डिफरेंस था उनको हमने D बोला था। जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा था वो EA एनोड वोल्टेज से एक्सेलरेट होके आ रहा था, तो इस सेटअप में हमने D बाई L कैलकुलेट किया था, दैट वॉज LD ED by 2 DEA, ऐसा था ना, D बाई L। और ये आपका डिफ्लेक्शन है स्क्रीन पे, ये सेंटर पॉइंट से स्क्रीन की दूरी, ये डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ ED, डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल D इज डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन प्लेट, EA इज एनोड वोल्टेज, यही सब था। तो यहाँ पे हमें ये इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमें ED निकालने के लिए ये बोल रहा है, आपको डिफ्लेक्शन दिया गया है और ये पूछ रहे हैं कि आप डिफ्लेक्शन प्लेट पे क्या इनपुट देंगे, तो इतना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको L भी दे रखा है, व्हेन स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट, ये L इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो ये सब आपको पैरामीटर्स गिवन है, आप इसमें सारे पैरामीटर्स रख के ED को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ED क्या आएगा, ED डिफ्लेक्शन वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दैट क्रिएट्स द डिफ्लेक्शन, ऐसा ही बोला है ना। एन इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट अ बीम, बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा वोल्टेज काम करता है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज, और यही हमें कैलकुलेट करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ED विल बी 2D कैपिटल D EA अपॉन LD L, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा ना, ED विल बी D 2D कैपिटल D स्मॉल D EA
डिवाइड बाई एल डी और एल इसमें रखे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी है 0.5 सेंटीमीटर इंटू ये आपको डी इन्होंने कहा है 3 सेंटीमीटर ई ए कितना दिया गया है एनोड वोल्टेज 1000 वोल्ट डिवाइड बाय एल डी डिफ्लेक्शन प्लेट्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर ठीक है और ये दिया गया है कैपिटल एल 30 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर सबको यूनिट के साथ लिखिए ऑप्शन में आपके मैनुअल मिस्टेक करने के सारे ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे और आपको इस रेशियो को फ्लिप करके जो भी क्वांटिटी बनती है वो आंसर्स भी दिए हुए होंगे तो फॉर्मूले को आप ढंग से याद करिए और फिर उसके बाद यूनिट के साथ आप सारी क्वांटिटीज़ को लिखिए तो ये 1 हो गया 10 ये आपका 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपका कोई इशू नहीं रहा तो दिस विल बी 100 वोल्ट ई डी इनपुट वोल्टेज टू डिफ्लेक्ट द बीम 3 सेंटीमीटर है ना ये आ गया आपका आंसर 100 वोल्ट तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट दैट इज सी ऑप्शन ठीक है ये आपकी हो गई है प्रॉब्लम नंबर 1 नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर सेकेंड प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में हमें वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे वोल्टेज दिया गया है तो यहाँ पे हमें अपना लिसाजूज पैटर्न में जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लिसाजूज पैटर्न का फॉर्मेशन पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट कंडीशंस फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट की एक हमने टेबुलर समरी जो रेडी की थी कि वर्टिकल पे केस स्टडी सारे हमने समराइज किए थे कि वर्टिकल पे ये इनपुट होगा तो स्क्रीन पे ये दिखेगा हॉरिजॉन्टल पे ये इनपुट होगा तो स्क्रीन पे ये दिखेगा उसी पे बेस्ड आपका ये सेकेंड प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम सेज अ डीसी वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट तो V हॉरिजॉन्टल टू 1 वोल्ट ओके इज अप्लाइड टू द एक्स प्लेट मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है टू अ CRO एंड AC वोल्टेज 2 साइन 100t V वर्टिकल क्या दे रखा है इक्वल्स टू 2 साइन 100t इज अप्लाइड टू द वाई प्लेट जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है द रिजल्टिंग डिस्प्ले ऑन द CRO स्क्रीन विल बी ऑप्शन है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन साइन वेव और अ स्लांट लाइन ठीक है तो हम देखते हैं कि क्या बनेगा इसमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हमने ये बताया था कि हॉरिजेंटल प्लेट पे दिया गया इनपुट बीम को हॉरिजेंटली मूव करवाता है यहाँ पे ये आपने फिक्स दे दिया तो अगर आपका स्क्रीन का आप एक्स वाई प्लॉटर में ये आपका सेंटर पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे आप कोई भी इनपुट नहीं देते हैं तो इस सेंटर पॉइंट पे आपको एक डॉट दिखाई देता है अब हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल बीम को राइट में मूव करवा रहा है नेगेटिव पोटेंशियल बीम को लेफ्ट में मूव अगर करवा रहा है तो 1 वोल्ट का मतलब ये अपने रेफरेंस से एक मान लेते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो उसको 1 सेंटीमीटर मूव करवाएगा आपने हॉरिजॉन्टल पे फिक्स दे दिया अब जो भी बीम है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन फिक्स हो गई है बीम उसी जगह पे फिक्स हो गई है उसमें अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा यू आर अप्लाइंग दिस वन ये आपका VH है 1 वोल्ट टी के साथ फिक्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट पे और वर्टिकल प्लेट पे आप ये साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं जो +2 से -2 के बीच में वेरी कर रही है ऐसा ही ना तो यहाँ पे ये आपकी बीम +1 सेंटीमीटर मान लेते हैं ठीक है टाइम पर डिवीजन जो था ना टाइम पर डिवीजन जो भी था उसमें ये यहाँ पे फिक्स हो गई है 1 डिवीजन फिक्स हो गई है और अब आप वर्टिकल पे कुछ भी इनपुट देंगे उसके रेस्पेक्ट में ये इसी पोजीशन पे ही मूव करेगी आपके बीम रेफरेंस से 1 सेंटीमीटर 1 डिवीजन मूव हो गई है अब आप जो भी वर्टिकल पे इनपुट दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये इसी हॉरिजॉन्टल प्लेस पे अप और डाउन मूवमेंट करेगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसका नहीं है क्योंकि आपने
प्लेट में फिक्स डीसी पोटेंशियल दे दिया हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए। ये सब हमारे जो लिसाजूज पैटर्न का हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया है, उसमें हमने ये सारे केस डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप रेफरेंस के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं दोबारा से। ठीक, तो आप जब आपका वर्टिकल जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हुआ तो ये 1 वोल्ट मूव करेगी, 1 डिवीज़न अपसाइड मूव करेगी, फिर 1.5 इस तरह से ये प्लस 2 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस 2 डिवीज़न तक मूव करेगी, फिर जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा तो फिर डॉट्स यहाँ बनेंगे, फिर डॉट 0 डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, फिर जैसे जैसे ये नेगेटिव में जाएगा तो डाउन साइड में ये डिफ्लेक्ट होने लगेगी और वापस डिफ्लेक्ट होके ये वापस 0 पे आएगी। तो आपको एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट की वर्टिकल लाइन दिखेगी और इसका अगर आप पूछेंगे इसका जो स्पैन है वो प्लस 2 और माइनस 2 वोल्ट के बीच में कन्फाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर आप ऐसा इनपुट देते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर थोड़ा सा और पूछते और ऑप्शंस जो है वो आपको डिस्प्ले बना के दिए हुए होते जिसमें प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 या प्लस 1 माइनस 1 इस तरह से हो तो आप ये वाला ऑप्शन जो है टिक करेंगे, तो इसका आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 में। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको अगेन लिसाजूज पैटर्न जो हमने स्टडी किया है उसी पे बेस्ड है। इसमें आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेट पे सिग्नल, इसमें आपको दिया गया है एक्स टी एंड वाई टी आर सिग्नल्स टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। एक्स टी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेट इक्वल्स टू लिख लेते हैं अभी वाई टी इक्वल्स टू वी ऑन वर्टिकल इक्वल्स टू, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस वर्टिकल फिगर ऑफ 8 ऑन डिस्प्ले। आपको क्या मिल रहा है, इस तरह से वर्टिकल 8 मिल रहा है। वर्टिकल 8 का मतलब इस वर्टिकली सेंटर्ड एक 8 का फिगर आपको डिस्प्ले पे मिल रहा है। इफ P एंड Q आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स टी इक्वल्स टू, एक्स टी आपको मैंशन किया गया है P साइन ऑफ 4t प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको वॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई टी, ठीक, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट पे सिग्नल दिया गया है, वर्टिकल प्लेट पे पता करना है अगर आपको ये डिस्प्ले मिल रहा है स्क्रीन पे। तो ये आपका लिसाजूज फिगर की एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था एफ वाई बाय एफ एक्स। जब दोनों प्लेट्स की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है तो हमें मल्टी लूप स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाई देता है, और वो हमने बोला था नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो वर्टिकल प्लेट पे फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेट पे फ्रिक्वेंसी का रेशियो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंसीज को कैलकुलेट करके निकालते हैं। इसके लिए हमने आपको कहा था कि एक आप वर्टिकल लाइन इंटरसेक्शन करते हुए आप ड्रॉ करेंगे जो फिगर को स्क्रीन को डिस्प्ले को मैक्सिमम टाइम कट करे। कितने टाइम कट करिए इससे, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका आ गया नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचेंगे, कितने टाइम इसको कट कर रही है, 2 बार, तो आपका एफ वाई बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। ये हमने पैटर्न बताया था कि जब आपको मल्टीपल लूप का कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है तो आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम टाइम कट करती हुई आप ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एफ वाई शुड बी हाफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ये 4 जो है 4t इक्वल्स टू 2π एफ एक्स टी, ऐसा ना। तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट पे 4t है तो आपका वर्टिकल प्लेट पे जो भी ऑप्शन होगा दैट शुड बी हाफ 2t के साथ होना चाहिए ना। आपका वाई टी शुड बी
क्यू साइन ऑफ टू टी प्लस माइनस आपका यहाँ पे फाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एलिप्स बन रहे हैं तो फाई आपका 0, 180, 90 और 270 के अलावा कुछ होगा। तो ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन 2t, ऑप्शन बी में है आपका q साइन 2t प्लस 15 डिग्री, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट मैच करता है, ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 भी आपके लिसाजूस पैटर्न पे ही है और इसमें भी आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर बना हुआ है और ये पूछा गया है कि क्या फ्रीक्वेंसी का रेशियो रहेगा। क्या फिगर बना रखा है इन्होंने, इस तरह से एक फिगर बनाया है, ऐसा एक पैटर्न है ना, ऐसा पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है। गिवन लिसाजूस पैटर्न सिग्नल फ्रीक्वेंसी एट एक्स प्लेट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 10 किलो हर्ट्ज, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट वाई प्लेट्स, तो आपको एफ वाई पता करनी है और आपको ये पैटर्न दिया गया है। रिपीट द सेम प्रोसीजर, पहले आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड में इसको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, एफ वाई बाय एफ एक्स। वाई के सामने रखते हैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट रही है, 1, 2, 3, 4, 5, आपने लिख दिया 5। एफ एक्स के सामने रखते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, ये आपका हो गया वर्टिकल इंटरसेक्शन 2। तो एफ वाई विल बी 5/2 ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स गिवन है 5/2 × 10 kΩ, दैट इज 25 किलो हर्ट्ज। तो इसका आंसर आपका बी हो गया है, प्रॉब्लम नंबर 4 का जो आंसर है वो बी हो गया है। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 5, ये फिर आपके एक लिसाजूस पैटर्न पे है। एज आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम अगर सीआरओ पे बनेगी तो मोर देन 50% टाइम्स वो लिसाजूस पैटर्न्स के ही आसपास आपकी जो है वो कंसिस्ट ऑफ होगी। लिसाजूस पैटर्न जो है वही मैक्सिमम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कैरी करता है। प्रॉब्लम नंबर 5 में हम आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको इस तरह से एक पैटर्न दिया गया है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट दिए गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, वोल्टेज ई इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट एंड ई वन इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट एंड ई टू टू द वर्टिकल इनपुट ऑफ सी आर ओ, ई वन एंड ई टू हैव सेम फ्रिक्वेंसी, डिटरमाइन द पॉसिबल फेज एंगल ऑफ ई टू विथ रेस्पेक्ट टू ई वन। ठीक है, ई वन और ई टू के बीच में फेज एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ये निकाला था। ठीक है, जिसमें हमने ये लोग बोला था कि वी वन बाय वी टू इक्वल्स टू एक्स वन बाय एक्स टू। वी वन जो था वो वर्टिकल पे इंटरसेक्शन था, ये वी वन था और ये इसका मैक्सिमम वर्टिकल कोऑर्डिनेट था। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एक्स वन और एक्स टू कैलकुलेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम इन दोनों को काम में लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया, ये दिया गया है 2.6 और ये दिया गया है 3.0। तो आप सिंपली इसे कैलकुलेट करेंगे, साइन फाई इक्वल्स टू 2.6 डिवाइड बाय 3.0, दैट इज आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.866 इज अंडर रूट 3/2 को आप सॉल्व करते हैं तो 1.73/2, दिस इज इक्वल्स टू 0.866। तो आपका ये है अंडर रूट 3/2 का मतलब ये हो गया साइन फाई अंडर रूट 3/2 का होता है 60 पे, तो फाई इज 60 डिग्री। ठीक है, ई वन और ई टू के बीच में फाई जो है वो 60 डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलिप्स है वो सेकेंड और फोर्थ उसमें क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सेकेंड और फोर्थ में जब आपका एलिप्स बने तो उसमें एंगल होता है 180 ± 5। तो आपका हो जाएगा 180 ± 60, दैट गिव्स यू 120 और 240
डिग्री. आपके जो ऑप्शंस होंगे वो 120 और 240 डिग्री होंगे. अगर और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड और इसको इंटेंस बनाएंगे तो इस एलिप्स में आपको रोटे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी दी हुई होगी. अगर आपका जो इसका लूप का डायरेक्शन मेंशन किया हुआ हो, डायरेक्शन क्लॉक वाइज अगर हो, तो आपका जो फाई है वो 0 से 180 डिग्री रेंज में होगा. बी केयरफुल. अगर इसको आप गेट के एग्जाम में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि इस लूप के कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ आपको इसकी डायरेक्शन भी दे दी जाए. अगर एंटी क्लॉकवाइज है आपका, एंटी क्लॉकवाइज में आप फाई जो है वो 180 से 360 डिग्री वाला कंसिडर करेंगे. अगर इसमें हम क्लॉकवाइज, अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज मेंशन कर रहे हैं तो आप ऑप्शन 120 डिग्री को सेलेक्ट कीजिएगा. एंटी क्लॉकवाइज अगर दिया हुआ होता तो आप 240 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. और अदरवाइज अगर आपसे सिंपली पूछा गया है और ये दोनों ऑप्शन है तो आप इसे भी टिक करेंगे. तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है जिसमें आपको लूप के मूवमेंट की डायरेक्शन भी दी हुई हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के और करेक्ट आंसर को ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिए. ऑप्शन में सभी होंगे. ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वही जो अभी हमने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैलकुलेट की थी उसी पे बेस्ड है. कैलकुलेट क्या करना है आपको, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ही एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी है. इसमें आपको क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम ए सीआरटी टू सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट इज 15 सेंटीमीटर. क्या दिया गया है, एल इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ होता है एल डी 2 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. एंड द एक्सेलेटिंग वोल्टेज इज 500 वोल्ट. तो ई ए आपको दे दिया गया है 500 वोल्ट. कैलकुलेट और द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है डी बाय ई डी. सी आर ओ में हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में ये डिस्कस किया है डिटेल में, इसे डिराइव किया है. एस फॉर सी आर ओ इज डी बाय ई डी, दैट विल बी एल डी एल अपॉन 2 ई ए डी. ई ए आपका एक्सेलेटिंग पोटेंशियल है. ठीक है, आप इन सब पैरामीटर्स को रख दीजिए. एल डी कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर इंटू एल 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 500 वोल्ट इंटू ये कितना दिया गया आपको, डी दिया गया है 1 सेंटीमीटर. तो ये सारे गिवन पैरामीटर्स की वैल्यू लिखने पे जो सीआरओ की सेंसिटिविटी है वो आप क्या जाएगी, 0.03 सेंटीमीटर पर वोल्ट. ठीक है, आपको ध्यान रखना है सीआरओ की सेंसिटिविटी जो है, जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है, दैट सेज हाउ मच डिफ्लेक्शन फॉर गिवन वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज. तो वो सेंटीमीटर पर वोल्ट या मिलीमीटर पर वोल्ट में होती है. आपको अगर ये इसका डायरेक्ट इसकी यूनिट में कन्फ्यूज़न होगा तो इसके रिवर्स में या इसका फॉर्मूला कन्फ्यूज़ करके भी आपको देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर के ऑप्शंस भी हैं. अगर जिसमें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शंस में आपके कंफ्यूज होने का सारा मार्जिन रखा हुआ होगा. सो आप अपने फॉर्मूले को, अपने कंसेप्चुअल जो थ्योरी है उसके साथ भी कोरिलेट करें ताकि आप गलत आंसर ना टिक करें. अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं तो ये बनता है 33.2 वोल्ट सेंटीमीटर, वो भी ऑप्शन में है. तो यहाँ पे 6 प्रॉब्लम का आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैलकुलेशन पे बेस्ड था. तो इन कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स के साथ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी हैं उनके साथ हमने सीआरओ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली है. इस वीडियो के साथ साथ आपका सीआरओ टॉपिक का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियो से
हम ट्रांसड्यूसर को पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रांसड्यूसर जो है वो हम अलग अलग कैटेगरी में कि रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव है, पैसिव है, पीजो इलेक्ट्रिक है, जो भी आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन एज वेल एज स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम को रिपीटेडली कवर कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर्स, उन सबको हम अपने वीडियोज़ में वन बाय वन कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।